देखो जो मैग्नेटिक डायपोल है, आप जरा ध्यान से देखना, ये एक बार मैग्नेट है। हम एक बार मैग्नेट को स्टडी करने जा रहे हैं। बार मैग्नेट के पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ जाएंगी, पता है। तो इसमें इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल एम, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या है, स्मॉल एम, बराबर ही होगी। ठीक, अब 2 मिनट के लिए आप बात करो किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल की। अगर आपको याद है हमने किया था इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल कैसे कंपेयर करने हैं, या इलेक्ट्रिक से कैसे मैग्नेटिक बनाना है। जहां पर नॉर्थ है अपने मन में सोचो वहां पर प्लस है, जहां साउथ है वहां पर माइनस है, जहां स्मॉल एम है वहां पर चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल एम है यहाँ भी चार्ज है, तो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। यही होता है। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 2a। इनके बीच में डिस्टेंस, कई बुक्स 2a लिखती हैं और कई बुक्स 12 लिखती हैं की बात है, 2a या 12। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल कुछ नहीं है, दो पोल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज मैग्नेटिक डायपोल। उसमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इसमें दो ऑपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस मैग्नेटिक डायपोल है। ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या किया था, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका एक टर्म की थी जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है, डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल का क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सही है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, P इज इक्वल टू क्यू इन टू टू ए, P इज इक्वल टू क्यू इन टू टू ए। इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्यू इन टू टू ए, P का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलो रिप्लेस करते हैं, P की जगह कैपिटल M, Q की जगह स्मॉल एम, 2a की जगह 2l। तो लो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी फॉर्मूला आ गया। सही है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि 2a इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 2l इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती थी पी वेक्टर, कहां से कहां होती थी, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकती है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती थी। मैं डायपोल मोमेंट की पूछ रहा हूँ, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन पी वेक्टर की पूछ रहा हूँ। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, बिल्कुल सेम ही तो चल रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ, बिल्कुल ही तो बेस बना रहा हूँ ना। अगर वो कंपेयर करना आ गया तो मुझे मेहनत तो कुछ करनी नहीं ना, वो ऐसे तो बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक। तो ये इसका डायपोल मोमेंट आ गया। ठीक हो गया यहां तक, तो पहला कंपैरिजन क्लियर है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल और इसका है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कई बुक्स कैपिटल एम को म्यू वेक्टर भी लिखती हैं, म्यू वेक्टर। अब तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो मुझे मालूम नहीं है। अब मुझे, तुम्हारे पास ए किताब है वो एम वेक्टर लिखता है, तुम्हारे पास बी किताब है वो म्यू वेक्टर लिख देगा, तो कोई ये ना लेके आए सर ये म्यू वेक्टर क्या चीज़ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही है, उसकी मर्जी ऑथर की जो लिखना चाहे। पर मैंने आपको बता दिया कुछ भी चलता है, मैं एम वेक्टर लिखता हूँ, कैपिटल एम वेक्टर। कोई डाउट इसमें?